हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम शिक्षण सूत्र पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम शिक्षण विधि भाषा इस पर वीडियो बना चुके हैं। अभी हमने नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम CTET, CTET, UPTET इन सब की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वीडियो बनाना हमने शुरू किया है। उम्मीद है आप देख रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे। यदि नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे चर्चा करना, जिसमें कि हम शिक्षण, जैसा मैंने आपको बताया, शिक्षण सूत्र पर चर्चा करेंगे कि जब कोई शिक्षक किसी नए पाठ या विषय को पढ़ाना आरंभ करता है तो उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे पाठ को आरंभ कैसे करें, किस क्रम से बच्चे को पढ़ाए, बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाए, बच्चों को पाठ की ओर कैसे आकर्षित करें और किस समय और कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। जैसा कि आप यदि मेरे चैनल को प्रीवियस डे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जब हम लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। यदि आप शिक्षण सूत्र का वीडियो देखना चाह रहे हैं यानी और CTET की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर BEd या DLed इन सब के स्टूडेंट रह चुके हैं या हैं, तो आप समझते हैं कि जब पाठ योजना बनाते हैं तो हमको कितनी कठिनाई होती है। हमको पहले उनका प्रीवियस नॉलेज पता होना चाहिए, सहायक सामग्री कौन सी लेनी है, पाठ को कैसे प्रारंभ करें, इस तरीके की बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये सारी कठिनाइयों की ही यहाँ बात की गई है कि जब कोई शिक्षक किसी नए पाठ को पढ़ाना आरंभ करता है तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे पाठ को कैसे शुरू करें, किस क्रम में बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को रुचि कैसे बढ़ाए, यानी हम लिखते हैं ना सामान्य उद्देश्य की विषय के प्रति बच्चे की रुचि उत्पन्न करना, तो ये सारी हमारे सामने कठिनाइयाँ आती हैं। इन सभी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षण सूत्रों को समझना शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए आवश्यक है। खासकर शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। यदि वो सूत्र जानता है तो वो बच्चों को बहुत आसानी से कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन कर सकता है, ताकि शिक्षण कार्य आसान हो सके और अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, सिखाने की जो प्रक्रिया है, वो अच्छे से प्रभावशाली तरीके से हो सके। शिक्षण सूत्र की परिभाषाएं, रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करता है जिसके सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यानी जो शिक्षण सूत्र है वो सिर्फ पद प्रदर्शन का कार्य करता है, जिसे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो यानी शिक्षण सूत्र को हम पद प्रदर्शक भी कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार शिक्षण सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। सही बात है, जो भी शिक्षण सूत्र हैं उन्हीं के उससे हमको शिक्षण विधि में मदद करते हैं। यदि आप शिक्षण सूत्र के बारे में नहीं भी जानते हैं और आप शिक्षक हैं तो आप जान जाएंगे कि आप इस फॉर्मूले के प्रयोग द्वारा पढ़ाते हैं जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप उसको हैबिट के अनुसार, आपने अपने शिक्षक से ले लिया गुण अनुसार, आपके उसमें आ गया बॉडी लैंग्वेज में वो गुण और आप वो सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको सैद्धांतिक रूप से वो नहीं पता है, तो अब आपको पता चल जाएगा। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन पाठन की क्रिया आसान हो जाती है क्योंकि ये सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। मेरे मतानुसार शिक्षण कार्य को सरल तथा प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं जिन्हें हम शिक्षण सूत्र की संज्ञा दे सकते हैं। शिक्षण के विभिन्न सूत्र, अब हम उन पर चर्चा करेंगे जो कि शिक्षण के फॉर्मूले हैं। पहला जो है वो है सरल से जटिल की ओर, यानी कि हम जब सरल चीज से उनको कठिन चीज की ओर ले जाते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कोई उनको फार्मूला सिखा रहे हैं तो पहले हमको उन फार्मूलों में जो भी चीज़ें आई हैं, जैसे कि हम उनको ब्याज, साधारण ब्याज सिखा रहे हैं तो हमको उनको पता होना चाहिए कि दर क्या होती है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, तब हम उनको साधारण ब्याज बता पाएंगे। तो हर शब्द का उनको मीनिंग पता होना चाहिए, परसेंट के चिन्ह से वो परिचित हों, परसेंट निकालना जानते हों। तो इस तरीके से यदि हम उनको सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे, पहले हम उनको हर चीज़ एक बार बता देंगे और उसके बाद जब हम फॉर्मूला बताएंगे तो उनको जल्दी समझ में आता है। तो शिक्षण की जो सूत्र हैं उसमें पहला सूत्र यही है कि सरल से जटिल की ओर। इसका अर्थ यह है कि छात्रों को सर्वप्रथम आसान व सरल बातों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि सभी छात्रों की रुचि पाठ व विषय में
बड़े और उसके पश्चात उन्हें जटिल जानकारी देना चाहिए। सरल जानकारी के आधार पर जटिल जानकारी को समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं। यह क्रम छात्रों की मानसिक विकास के अनुकूल है। यदि एक शिक्षक बच्चों को आरंभ से ही जटिल जानकारी देगा तो छात्र बच्चे उसे नहीं समझ सकेंगे और शिक्षण कार्य व्यर्थ हो जाएगा। कई जगह यही देखा जाता है। अब तो शिक्षा विधियां और ट्रेन टीचर ही पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, लेकिन बहुत पहले ऐसा नहीं था। जरूरी नहीं था कि बीएड डीएलएड किए बिना ही बच्चे शिक्षक पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो ना उनको शिक्षण विधियों का ज्ञान था ना तरीकों का। सीधे आए ब्लैक बोर्ड पर फॉर्मूला लिख दिया कि ये लाभ हानि का फॉर्मूला होता है, रट लो और सवाल कर लो। तो बच्चों का मैथ्स के प्रति डर, मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ और मैथ्स की टीचर हूँ, तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल आपको उसी के देती हूँ और अभी भी उसी का दे रही हूँ। तो बच्चों को सीधे फॉर्मूला बता दिया, तो बहुत से बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, भय रहता है। बहुत से बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं। अधिकतर देखा जाता है कि 10th के बाद जब सब्जेक्ट चुना जाता है तो सबसे पहले बच्चा सोचता है मैथ्स बंद हो जाए, अब हम ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसमें हमको गणित ना करना पड़े। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसीलिए होता है कि हम उनको जटिल चीज़ें पहले बता देते हैं, सरल चीज़ें बाद में बताते हैं। उनका बेसिक नॉलेज उनको हो नहीं पाता है, उनका बेस क्लियर नहीं हो पाता है और वो सीख नहीं पाते। तो हमको कोई भी चीज़ के लिए पहले उनको सरल चीज़ें बतानी है, फिर कठिन चीज़ें बतानी है, तो वो जल्दी से सीख पाएंगे। उदाहरण के लिए छात्रों को जोड़ना और घटाना सिखाने से पूर्व गिनती कराना सिखाया जाता है। इसी प्रकार एक व्याकरण का शिक्षक भी पहले साधारण नियम सिखाता है, फिर उन्हीं आधार पर जटिल नियम सिखाता है ताकि बच्चे आसानी से सभी नियमों को सीख सकें। जैसा हमने बोला वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे हमने सरल से कठिन की कठिन बताया, पहले सरल बताया फिर कठिन बताया, उसी तरह ये वाला सूत्र भी है शिक्षण का कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले हम उन्हें ज्ञात चीज बताएंगे, जैसा कि हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उनके प्रीवियस नॉलेज पर क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। उसी तरह पहले हम उन्हें ज्ञात चीज़ें बताएंगे और उसके बाद अज्ञात चीज़ों की ओर ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, शिक्षक सदैव बच्चों को पहले वे सब बातें बताएं जिनको बच्चा पहले से ही जानता हो और इन्हीं के आधार पर बच्चों को नवीन ज्ञान प्रदान करें। छात्र केवल तभी पाठ में रुचि दिखाते हैं तब उन्हें जानकारी एवं नयापन दोनों मिलते हैं। जैसे शब्द जोड़ने निर्माण करने से पूर्व बच्चों को वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब बच्चों को वर्णों का ज्ञान होगा तभी वे शब्द का निर्माण कर सकेंगे। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। यदि आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ किससे बनी है, तो आप अपनी कक्षा कक्ष में पूछ लें कि आप बैठे हैं वो चीज़ किससे बनी है, तो बताएंगे लकड़ी से, और लकड़ी से और क्या बनता है। तो इस तरीके से यानी आप यदि उनको लकड़ी की और उपयोगिता बताना चाहते हैं, यदि आप वन संरक्षण पढ़ाना चाहते हैं, तब भी आप उन्हें पूछ सकते हैं कि आपकी बुक किस चीज़ से बनी है। इस तरीके से आप उनको जो सरल चीज़ें हैं जो उनको पता है उससे लेकर जो अज्ञात है उनको, जो उनको नहीं पता है, उस तरफ ले जा सकते हैं और नवीन ज्ञान से आप उनको आसानी से जोड़ सकते हैं। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि आप उनको बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके मानसिक विकास भी होता है। शैशव अवस्था में वह सूक्ष्म अमूर्त वस्तुओं के बारे में नहीं जानता, परंतु स्थूल या मूर्त पदार्थों को सरलता से जान लेता है। आयु के साथ साथ उनमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों, वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। अतः शिक्षक को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय आरंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। उनकी सहायता से सूक्ष्म बातों को समझाना चाहिए, जैसे जोड़ना घटाना के लिए, गिनती सिखाने के लिए गेंद, लौकी, कंकड़ आदि का प्रयोग करना, यानी कि जो चीज़ें उनके पास हैं उनका प्रयोग करके, मूर्त वस्तुओं को दिखाकर, उनका प्रयोग कर, उनकी सहायता से ही उनको बातों को समझाना चाहिए। यही होता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि पहले हम उनको जो वस्तुएं हैं उससे सिखाएं। यदि हम उनको स्क्वायर, गोला, लाइन ये सब सिखा रहे हैं या जोड़ना सिखा रहे हैं, तो हम पहले उनको स्केच पेन, कलर, इनसे जो भी स्थूल वस्तुएं हैं उनसे सूक्ष्म की ओर ले जाकर सिखा सकते हैं। यानी कि जो वस्तुएं हैं उनसे वो जल्दी सीखते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये होता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गिनती सिखाने के लिए, जोड़ना घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का प्रयोग करना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे
बुक का नाम लिखा हुआ है। यदि आप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आ रहा है तो इस बुक का नाम शिक्षण विद्या है, पूजा पब्लिकेशन की ये बुक है। आप इसकी जो भी डिटेल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देखकर बुक की सैंपल कॉपी देखकर यदि आप चाहें तो इसे परचेज भी कर सकते हैं या फिर आप वीडियो से भी समझ सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो वैसा करें। मैं आपको ये बुक लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख कर ले सकते हैं। मैं उस बुक से अपना टॉपिक ले रही हूँ तो उसके बारे में बताना भी आवश्यक है। पिछले वीडियो में भी किसी ने कमेंट करके पूछा था तो मैंने वहाँ भी बताया, हालांकि उन्होंने शायद आधा वीडियो देख कर ही पूछ लिया, लेकिन मैंने उसमें भी बताया था। अभी भी बता दे रही हूँ आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको सैम्पल कॉपी की लिंक और अमेज़न लिंक की लिंक भी मिल जाएगी, शायद फ्लिपकार्ट पे भी ये है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर हमारा अगला शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर। इसके अनुसार एक अध्यापक पहले बच्चों को पाठ का सारांश बताता है और उसके पश्चात बच्चे को पाठ के विभिन्न अंशों के बारे में बताएं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम सबसे पहले किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से देखते हैं और उसके पश्चात ही हम उनके विभिन्न अंगों को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मानव शरीर के बारे में बताने के लिए सबसे पहले मानव शरीर को दिखाते हैं, उसके बाद सभी अंगों को बताते हैं, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। यानी हम पहले जैसे कोई भी पार्ट है उसका पूरा सारांश बता दें और उसके बाद हम उसको छोटी छोटी चीज़ों को के बारे में एक्सप्लेन करें, तो ये हो जाता है पूर्ण से अंश की ओर। जैसे उदाहरण भी दिया गया है कि पहले यदि हमको मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम आँख का नाक सबका अलग अलग चित्र नहीं बताते हैं, सबसे पहले हम चार्ट में बच्चों को दिखा देंगे कि ये मानव शरीर है, फिर उसमें हम बताएंगे ये हाथ है, ये कान है, ये नाक है। तो यानी ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। आप कोई भी पार्ट को, जैसे आप संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो पहले आप संज्ञा की परिभाषा बता देते हैं, फिर नाम, वस्तु, शहर, इन सब के बारे में अलग अलग से उनको बताते हैं, तो ये भी इसका उदाहरण होता है। तो पूर्ण से अंश की ओर हमारा ये शिक्षण सूत्र था। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी बच्चों को पूर्णतः किसी भी विषय की जानकारी नहीं होती, उन्हें जो भी जानकारी होती है वह अनिश्चित एवं स्पष्ट होती है। आरंभ में बच्चों को किसी घटना तथ्य का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, शिक्षक का ये कार्य है कि बच्चों को अनिश्चित ज्ञान या जानकारी तथ्यों को स्पष्ट करें, यानी जो अनिश्चित ज्ञान है उनको निश्चितता की ओर ले जाना। ये हमारा पांचवा शिक्षण सूत्र है। मुख्यतः 10 ही शिक्षण सूत्र अलग अलग बुकों में पाए जाते हैं, यहाँ भी 10 ही हैं, कुछ जगह शायद आपको कुछ और मिले लेकिन मुख्यतः यही होते हैं। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। विद्यार्थियों को पहले प्रत्यक्ष वस्तु से संबंधित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ताकि उसके पश्चात अप्रत्यक्ष वस्तु से संबंधित जानकारी प्रदान करनी चाहिए। प्रत्यक्ष चीज़ों से बच्चे तुरंत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, ग्लोब आदि से बच्चा आसानी से, सरलता से प्रत्यक्ष रूप में समझ पाता है। यानी हम ताजमहल के बारे में उन्हें बता रहे हैं ऐसी सुंदर आकृति ऐसा है, तो इससे अच्छा हम उन्हें पहले चार्ट दिखा दें फिर बताएं कि यह संगमरमर की है, इस समय बनी थी, ऐसा करके। पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, हम बता देंगे पृथ्वी गोल है, लेकिन हम उन्हें ग्लोब दिखा देंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। हम मानसून पवनों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उनको बताएं चित्र में कि इस तरीके से आती हैं हवाएं, इस क्षेत्र में जाती हैं। हम मिट्टी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम उनको मिट्टी का चित्र बताएं। इस तरीके से यदि आप उनको चार्ट मॉडल का उपयोग करके उनको बता के सिखाएंगे तो उनको जल्दी समझ में आता है। फिर अगला है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस विधि में अध्यापक के द्वारा बच्चों को सामान के सामने एक ही प्रकरण के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और बच्चों को निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर में हुआ कि पहले हम उनको अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उनसे ही निष्कर्ष निकालने के लिए कहेंगे। ऐसा करने से बच्चे को मूल्यांकन, निरीक्षण, चिंतन तथा विचार मंथन करने का अवसर भी प्राप्त होते हैं। व्याकरण शिक्षण में इसका अत्यधिक महत्व है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि पढ़ाते समय बच्चों को अनेक उदाहरण देते हैं और उसके पश्चात बच्चों को उदाहरण खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हम साइंस में हम उनको अम्ल, क्षार पढ़ा रहे हैं, लवण पढ़ा रहे हैं, तो भी हम उनको अलग अलग वस्तुओं को देकर उनको बोलें कि इनका सूची बनाइए अलग अलग, तो विशिष्ट से हम उनको सामान्य की ओर ले जा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, वो मूल्यांकन कर रहे हैं, पदार्थों को चख रहे हैं, उसके बारे में लिख रहे हैं कि उनको नमकीन लगा, खट्टा लगा,
तो इस तरीके से हम विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत सारे शिक्षण सूत्र को जानते हैं लेकिन उनके नाम मुझसे परिचित नहीं है, तो शायद अब आपके दिमाग में क्लियर होता जा रहा होगा। फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का अर्थ होता है विषय को तोड़ कर पढ़ाना, यानी हमने उसको विश्लेषित कर दिया। और विपरीत संश्लेषण का होता है कि उसको एकत्रित करना। आप नाम से ही समझ रहे होंगे, विश्लेषण और संश्लेषण गणित में बहुत इस्तेमाल होती है ये विधि। विषय को तोड़कर पढ़ाना, इसके द्वारा बच्चे विषय को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। इसके विपरीत संश्लेषण का अर्थ होता है विषय को जोड़कर पढ़ाना, इसके द्वारा बच्चा उसी विषय से संबंधित ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। ऐसा अनेक बार देखा गया है कि किसी एक विषय को अध्यापक द्वारा खंडों में बांटकर पढ़ाया जाता है तथा बाद में उन खंडों को एक साथ जोड़कर सभी से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे बच्चा उस विषय को आसानी से सीख सकते हैं। संधि समास में तथा भौगोलिक स्थितियां बताने के लिए पहले क्षेत्रीय व राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथियां बताई जाती हैं, अतः तथा अंतः उन में अंत में सबको एक साथ बताया जाता है। जैसे कि हम संधि समास पढ़ रहे हैं, पहले हम उनको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि ये संधि है, ये संधि है, फिर उसके बाद विस्तार से बताते हैं, फिर एकत्रित करके बता देते हैं। ऐसे ही हमको भौगोलिक स्थिति बताना है तो पहले हमको अपने क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। हम यदि पहले भारत के बारे में नहीं जानते हैं तो हम विश्व में भारत कहाँ है ये बच्चों को एकदम से कैसे बता देंगे। पहले उनको भारत की भौगोलिक स्थिति पता होना चाहिए कि भारत ऐसा, इस तरीके की भौगोलिक स्थिति, भारत के मैप से परिचित होना चाहिए, फिर हम उनको विश्व का मैप पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे संश्लेषण और विश्लेषण विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहले छोटी छोटी चीज़ों को आपको बताना, फिर सभी को एकत्रित करके संपूर्ण उसका रूप बता देना। फिर है मनोवैज्ञानिक क्रम में तर्क संगत की ओर। बच्चों को शिक्षा सदैव उसकी रुचि, रुझान, क्षमता, जिज्ञासा तथा मानसिक स्तर के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चों का मानसिक स्तर का विकास होता है, वैसे वैसे ही क्रम के अनुसार उनके ज्ञान में भी वृद्धि करना चाहिए। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि हम उनको उनकी आयु के अनुसार हम उनको फोर्थ में ही परसेंटेज निकालना बता दें, या फोर्थ में ही हम उनको सिखा रहे हैं रस, छंद, अलंकार। उनकी आयु के अनुसार उनको चीज़ें सिखाना, पहले शब्द सिखाते हैं, फिर हम पहले एक एक अक्षर सिखाया, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वाक्य सिखाते हैं, फिर हम उनको शुद्ध लेख लिखवाते हैं। इस तरीके से एक क्रम में उनको पढ़ाना चाहिए। जैसे हम पहले उनको प्लस सिखा रहे हैं, फिर माइनस सिखा रहे हैं, फिर इंटू सिखा रहे हैं, फिर डिवाइड सिखा रहे हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और सिखाएंगे उनको। तो इस तरीके से हमको मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर ले जाना चाहिए, या ना कि ऐसा कि हम पहले उनको बड़ी चीज़ें सिखा दें फिर उनका छोटा रूप बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगली शिक्षण सूत्र है हमारा प्रकृति का अनुसरण। जब शिक्षक जब शिक्षा प्रदान करता है तो उस बच्चे की आयु, मानसिक स्तर, क्षमता, रुचि को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों की शारीरिक, मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको लेसन प्लान में भी हमेशा बताती हूँ, आपको चार्ट, मॉडल, ये सारी चीज़ों का जो भी इस्तेमाल करना है ये आपको बच्चों की आयु के अनुसार करना है। आपको देखना है कि इस आयु का बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है, इस विधि से समझ सकता है, तो आपको उस विधि का इस्तेमाल करके उनको पढ़ाना है। तो यही है प्रकृति का अनुसरण, यानी बच्चों की प्रकृति, उसका मानसिक स्तर कैसा है। यहाँ पे प्रकृति का अनुसरण से मतलब ये है कि बच्चे की आयु कितनी है, उनका मानसिक स्तर क्या है, क्षमता क्या है, रुचि क्या है, तो ये सब है प्रकृति का अनुसरण। यहाँ पे हमारा जो ये वीडियो है वो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।